हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। तो मेरे नए व्लॉग में सबका स्वागत है। आज होने वाली है वीडियो कंपैरिजन, लेकिन बर्गर की। पिछली वीडियो बनाई थी हमने पिज्जा का, हमने कंपैरिजन किया था, दो ब्रांड्स लिए थे, लेकिन इस बार भी हम ब्रांड तो लेने वाले हैं बट उसमें एड ऑन होने वाला है एक और चीज। आज हम स्ट्रीट बर्गर भी एड करेंगे अपने ब्रांड वर्सेज स्ट्रीट फूड में। क्या मतलब प्राइस क्या होने वाला है तीनों का, और कौन कौन से बर्गर, मतलब नॉमिनल प्राइस वाले हम बर्गर लेंगे जैसे हम हर वीडियो में लेते हैं। मतलब हम लेने वाले हैं बर्गर किंग, मैकडी एंड स्ट्रीट बर्गर। तो ये तीनों का प्राइस भी बताने वाली हूँ मैं आपको, और बताने वाली हूँ टेस्ट करके तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। बाकी अब चलते हैं, लेते हैं अपने सारे बर्गर। पहले चलते हैं बर्गर किंग, फिर चलते हैं मैकडी, फिर चलते हैं स्ट्रीट बर्गर की तरफ। तो चलो हमने ले लिए हैं अपने तीनों बर्गर। मैं बैग में से निकालती हूँ, ये है बर्गर किंग का बर्गर, बहुत ही नॉमिनल प्राइस वाला जो स्टार्टिंग प्राइस होता है, और ये है स्ट्रीट बर्गर। इसे मिली चटनी भी है और डिस्पोजल भी दिया अंकल ने, और ये है सबका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट मैकडी का बर्गर। तो ये तीनों होने वाला है इन सबका रिव्यू। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा खोलो यार, बर्गर किंग का खोल लेते हैं सबसे पहले। तो ये ऐसे पैकेट में आपको मिलेगा, और इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इसमें मिलने वाला है आपको एक तो बर्गर क्रिस्पी वेज, और साथ में टिश्यू मिलने वाला है, और मिलने वाली है ये टमाटो सॉस। तो देख लो, मैंने वेज वाला ही लिया है क्रिस्पी वेज बर्गर। मैं तो खोल के दिखा देती हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं किसी भी बर्गर को लेने में। तो ये है बर्गर किंग का बर्गर, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है प्याज और टिक्की, थोड़ी सी मयोनी लगाई है, टमाटर गायब है इसमें से क्योंकि टमाटर हो रहे हैं बहुत महंगे। पिछली बार मैंने खाया था टमाटर मिला था मुझे, मुझे याद नहीं है, टमाटर नहीं था वैसे उसके अंदर भी। तो ये रही कैचअप, एंड एज यू नो जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैचअप के बिना बर्गर क्या पिज्ज़ा भी नहीं खाती। तो ये मैंने लगाई कैचअप, और ये है क्रिस्पी वेज। और बर्गर को कैसे खाया जाता है उल्टा करके, बन बहुत सॉफ्ट है, और जो इसमें टिक्की है क्रंची क्रंची है, प्याज है, टमाटो नहीं है, टमाटो मैं मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर, और ये तिल लगे हुए हैं इसके ऊपर, देख रहे हैं आप बर्गर पे तिल लगे हुए हैं, जो कि हर बर्गर किंग के बर्गर पे ना ये मिलेगा मैक्सिमम। टेस्ट बढ़िया है, एक कमी लगी टमाटर की, बाकी टेस्ट बढ़िया आ रहा है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे मिला है 52 रुपीज का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बर्गर कैसे, ये बढ़िया लगा मुझे। तो जो नेक्स्ट है वो करते हैं बंद, मैकडी का बर्गर बहुत लोगों का फेवरेट है। जब बर्गर किंग आया था ना तो बड़े कंपैरिजन हो रहे थे सारे बर्गर्स के, कि मैकडी का बर्गर ज़्यादा अच्छा है या फिर बर्गर किंग का। लेकिन पर्सनली मुझे, चलो मैं बाद में बताऊंगी क्या है, ये है आलू टिक्की, नॉर्मल वाला जो बर्गर आता है वो है, और साथ में इसमें इनकी ही कैचअप मिलती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। टिश्यू मिलते हैं एज यूजुअल, बाकी और कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं इसमें क्या टमाटर मिले हमें, आप बताओ कॉमेंट करके कि आपने कब खाया था टमाटर बर्गर के अंदर, मैकडी वाले उसके अंदर, क्योंकि पहले तो आता था टमाटो का पूरा स्लाइस आता था, लेकिन अब शायद नहीं आता है काफ़ी टाइम से, और मैं सही थी, नहीं है इसमें भी टमाटर, प्याज भी है और मयोनी बहुत सारी है, देखने में सेम लग रहे हैं, बस उसके अंदर वो जो तिल था वो थे, बाकी ये है इसकी कैचअप। जिन्हें कमेंट करके बताना किस किसने मैकडी का जो बर्गर खाया था लास्ट टाइम कब टमाटर निकला था उसके अंदर, टमाटर की स्लाइस निकली थी, क्योंकि मेरे को तो बहुत टाइम हो गया है खाते हुए, बहुत मिस करती हूँ वो टमाटर। तो ये है मैकडी का बर्गर, आलू टिक्की बर्गर। तो हमें मज़ा आ जाता है, इसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया है, मेयोनीज़ इसमें ज़्यादा है, और टिक्की मुझे पर्सनली अच्छी लगती है इसकी मैकडी, टेस्ट एज यूजुअल यू नो दैट, लेकिन इसमें भी क्या कमी है, टमाटर की, टमाटर में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बढ़िया है। और इसका जो प्राइस है, इसका भी सेम प्राइस है 52 रुपीज़, सेम प्राइस है बिल्कुल दोनों का।
मतलब बर्गर किंग और दोनों का प्राइस होने वाला है सेम, टेस्ट में फर्क है। टेस्ट मुझे उन दोनों में से मैकडी का अच्छा लगा। हमने पहले भी वीडियो बनाई है इसकी, लेकिन उसमें ये ऐड नहीं था। तो ये है स्ट्रीट बर्गर। नाउ सी कि क्या फर्क है एक स्ट्रीट बर्गर में और एक ब्रांड वाले बर्गर में। तो ये है, इसमें भर भर के चटनी मिली हुई है हमें। इसके अंदर ग्रीन वाली भी है और रेड वाली भी मिक्स करी हुई है। और ये काट के दिया हुआ है, पनीर की स्लाइस भी नजर आ रही है, ये देखो। और आप बताओ इसमें टमाटो टमाटो निकलेगा? चलो देखते हैं। ओहो हो, हल्की सी जो स्लाइस है टमाटर की, और इसमें पनीर भी है, और इसमें छोटी सी टिक्की मिली है हमें। लेकिन पनीर बहुत सारा इन्होंने भर के डाला हुआ है। और इसमें क्या फर्क होता है, वो फ्राइड होता है और ये अच्छे से तवे पे तला हुआ होता है। तो ये है, और कट करके दिया अंकल से, मैंने कट करवा लिया था ताकि खाने में आसानी हो। ये देखो, ये एक अच्छी सी स्लाइस बनी हुई है। इसमें ग्रीन चटनी भी है, लाल चटनी भी है, टमाटर भी है, पनीर भी है। और इसका प्राइस मैं बताती हूँ, पहले टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इसको टेस्ट करने वाले हैं अब। ये है स्ट्रीट बर्गर, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको ये। इसमें प्याज भी है, टमाटर भी है और पनीर भी है, जो कि उन दोनों बर्गर में बिल्कुल भी नहीं है। और टेस्ट बहुत बढ़िया है, जिन्होंने हरी और लाल चटनी डाली है, मज़ेदार। और जो टिक्की है क्रिस्पी कर रखी है, बहुत तवे पे अच्छे से तली हुई है। टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि मेरा क्या मन करेगा इन दोनों बर्गर खाने का, अच्छा मैं प्राइस बता देती पहले। ये है 40 रुपीज़ का, 40 रुपये का मिलने वाला है आपको। और मुझे इन तीनों में से जेन्युइनली बता रही हूँ, ये वाला स्ट्रीट बर्गर ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ वो ठीक है, बर्गर बैठ के आराम से बैठ के खाने में, बट टेस्ट की बात करूँ और चटनियों की बात करूँ और चीज़ों की बात करूँ, पनीर और टमाटर और चटनी, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये स्ट्रीट वाला बर्गर। संतुष्टि हो जाएगी, एक बंदा खाएगा ना संतुष्ट हो जाएगा वो, और मज़ा भी आने वाला है, और किसी चीज़ की कमी भी नहीं। और टमाटर भी डाला हुआ है इन्होंने, मतलब यार स्ट्रीट जो स्ट्रीट ब्रांडर्स होते हैं उनका दिल बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि टमाटर और रखे हैं महंगे, और किसी भी ब्रांड में हमें टमाटर नहीं मिला, इसमें हमें टमाटर भी मिला है। और टेस्ट अच्छी कह रही हूँ, बहुत बढ़िया आया है। ये मेरा पर्सनल टेस्ट है, पर्सनल रिव्यू है इस चीज़ को लेकर, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो मैकडी के फैंस हैं और बर्गर किंग के फैंस हैं तो बुरा मत माने, लेकिन मुझे स्ट्रीट वाला ज़्यादा अच्छा लगा एज अकॉर्डिंग टू ब्रांड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे कर दो, और मुझे कॉमेंट करके बताओ कि कौन सा बर्गर आपको अच्छा लगता है, विच वन, मैकडी, बर्गर किंग और भी जो आउटलेट्स हैं, और स्ट्रीट वाला जो बर्गर हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहीं करते हैं एंड, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।